नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किडनी के रिलेटेड एक कॉमन सा एक प्रॉब्लम होता है और बहुत से लोग हमें कमेंट्स में भी पूछते हैं, और ये प्रॉब्लम है यूरिन में प्रोटीन का जाना। दरअसल यूरिन में प्रोटीन नहीं जाना चाहिए, यूरिन में सिर्फ बॉडी का कचरा निकलना चाहिए और ये काम करता है हमारी किडनी। किडनी में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, तभी हमारी बॉडी में से प्रोटीन भी कचरे के साथ साथ चला जाता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम है कि उसका प्रोटीन बॉडी के अंदर से प्रोटीन भी यूरिन के अंदर जा रहा है, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन कम बचेगा या फिर नहीं बचेगा, तो उसकी बॉडी में कमजोरी आ सकती है। ये एक सीधी सी सिंपल सी हर कोई समझ सके ऐसी बात है। तो ये दिक्कत आती क्यों है, ये पहले समझते हैं। दोस्तों, हमारी जो किडनी होती है, किडनी में बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, जिसको हम अगर डॉक्टर्स की भाषा में बोले तो नेफ्रॉन्स बोलते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स एक तरह की जो छलनी होती है हमारी, उस तरह का काम करती है। ये बहुत सारे करोड़ों नेफ्रॉन्स एक ही किडनी में लगे हुए होते हैं। ये सभी नेफ्रॉन्स छलनी का काम करते हैं, और छलनी का काम दरअसल ये होना चाहिए कि ये छलनी में से कचरा सारा निकल जाना चाहिए और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन के जो कण होते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं, तो ये फिल्टर्स में से पास नहीं होने चाहिए। वो मोटे मोटे कण बॉडी में ही रहने चाहिए, यानी कि प्रोटीन बॉडी में ही रहना चाहिए, सिर्फ छलनी में से कचरा निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ये छलनी के जो छेद है, जो छिद्र है, जो होल्स बने हुए हैं, समझ लो कि वो अगर बड़े हो जाते हैं तो क्या होगा। सीधी सी बात है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं प्रोटीन के, वो भी निकल जाएंगे। तो बस दिक्कत ये होती है कि जो होल्स होते हैं, जो नेफ्रॉन्स के अंदर जो छिद्र होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इसलिए प्रोटीन भी कचरे के साथ साथ निकल जाता है। तो ये ठीक कैसे किया जा सकता है, पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये जो होल्स होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं, यानी कि छलनी के जो छेद है, वो बड़े क्यों हो जाते हैं, तो उसके लिए मेनली दो कारण जवाबदार होते हैं। पहला कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। धीरे धीरे ब्लड आना चाहिए और उसमें से कचरा निकलना चाहिए और प्रोटीन वापस बॉडी में चला जाना चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ही होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो छलनी पे भी प्रेशर पड़ता है और कैसे भी करके प्रेशर प्रेशर में ही प्रोटीन भी बाहर निकल जाता है, और उस कारण से जो छेद होते हैं, जो छिद्र होते हैं, जो छलनी के अंदर होल्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे बड़े हो जाता है, फिर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हो जाती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हाइपर बीपी, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से भी किडनी फेल होती है, वो होता है डायबिटीज। डायबिटीज में दोस्तों, इंसान का पूरा जो बॉडी होता है, उसके सारे सेल्स धीरे धीरे करके इंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं, और वही होता है किडनी की छलनी के साथ भी। छलनी भी बनी होती है सेल से ही, वो कोशिका से ही बनी होती है, तो जब सब कुछ डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो किडनी के ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये जो छलनी होती है, वो भी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है, और ये जो छलनी के जो छेद है, जो छिद्र है, वो भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और इसी कारण से प्रोटीन भी यूरिन के साथ साथ निकल जाता है। तो मेनली ये दो प्रॉब्लम होते हैं, एक तो हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा डायबिटीज। अगर ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो ये दोनों जो कारण है, जो रीजंस है, उस पे ही हमें हमला करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर को देखना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, तो ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए जो कुछ भी हमसे हो सकता है करना चाहिए, उसके लिए दवाई लेनी पड़ रही है तो दवाई लीजिए, ठीक है। दवाई से भी ठीक नहीं होता तो खान पीने में ध्यान रखिए, नमक एकदम कम कर दीजिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। दूसरा भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि दवाई लिए बिना ही अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, उससे भी काफी हेल्प मिलेगा। यानी कि आपको अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए पूरी कोशिश करनी है। और दूसरा अगर रीजन है आपका कि आपको डायबिटीज है, या फिर ब्लड में शुगर बढ़ रहा है, तो वो शुगर को कम करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो करना पड़ता है। उसमें दवाइयां भी आ गई, इंसुलिन के इंजेक्शन भी आ गए, और उसमें भी खाने पीने में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, वो फॉलो करनी चाहिए। तो ब्लड प्रेशर और आप शुगर पे कंट्रोल करोगे, तो प्रोटीन का निकलना काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन फिर भी जो सबसे मेन दो रीजन होते हैं, उसकी मैंने बात की, दूसरे भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, और ये कुल मिला के बात है किडनी की, नेफ्रॉन्स की। तो अगर प्रोटीन थोड़ा सा भी जा रहा है या ज्यादा भी जा रहा है, अगर आपके यूरिन में जाग आ रही है, या फिर आपके रिपोर्ट में पता चल गया कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, तो बिना टाइम बिगाड़े सबसे पहले आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये दिक्कत
किडनी फेल होने वाले पेशेंट में तो होगी ही होगी। कुछ पेशेंट्स में ये दिक्कत ट्रांसप्लांट के बाद भी हो सकती है अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है या फिर शुगर कंट्रोल में नहीं है। और बहुत सारे लोगों की किडनी अभी तो ठीक है, एकदम हेल्दी है, लेकिन फिर भी प्रोटीन जा रहा है यूरिन में, ऐसा भी होता है। तो ये एक डेंजर की साइन है, ये एक संकेत है कि आपको फटाफट इसके ऊपर कदम लेने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए और आपके डॉक्टर से मिलके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो यूरिन में प्रोटीन जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, आपकी किडनी को डैमेज भी कर सकती है। इसलिए अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो सबसे पहले आपके डॉक्टर को मिलिए और जो कुछ भी करना पड़े करिए, साथ में ये जो दो रीजंस मैंने बताया उस पे काम कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए और शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, ये दो चीजें भी आप कर सकते हो जिससे यूरिन में प्रोटीन जाने की जो शिकायत है वो कुछ हद तक बिल्कुल कम होगी। तो बस ये मुझे इस वीडियो में बताना था। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।